pumps evenly on clean skin at night. They are so cute. Like even if you're going out. अच्छा कि एकदम जहर ब्लैक कॉफी बनाई है मेरे लिए आज, बट थैंक यू नींद उड़ाने के लिए. एंड ये जो है सामान रखने के लिए, आई गॉट दिस फ्रॉम Amazon. ये तो फ्लाई यार, मक्खी खा गया. एंड आई किस हिम ऑल द टाइम. सो कैच प्रोटीन. आई थिंक 12,000 और मेबी 13,000. दीस प्रोडक्ट्स आर लाइक रियली 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 एक्सपेंसिव. हेलो एवरीवन, दिस इज कृष्णा मुखर्जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. सो टुडे आई एम गोना शो यू ऑल my skin care products. I know आप लोग बहुत टाइम से बोल रहे हो दैट यू गाइज वॉन्ट टू सी माई प्रोडक्ट्स, लाइक कौन कौन से मैं यूज करती हूँ. सो आई एम गोना शो यू ऑल ऑफ देम, कौन से बहुत अच्छे हैं, कौन से ओके हैं एंड कौन से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं और कौन से बहुत ज़्यादा चीप हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं. सो एज यू कैन सी माई हेयर, दे आर जस्ट लुकिंग सो वियर्ड. दे हैव गॉन हेयरवायर बिकॉज मानसून. आई हेट मानसून. मॉनसून में बाल इतने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं आपके कि लाइक लिटरली मैंने ब्लो ड्राई नहीं किया, मैंने ऐसे ही अपने आप सूखने दिया इनको. बिकॉज आप जितना मॉनसून में ब्लो ड्राई करोगे उतना ही आपके ब्रेकेज होगा, हेयर ब्रेकेज होगा. सो यू शुड अवॉइड दैट. एनी वे, लेट्स नॉट टॉक अबाउट हेयर, कम बैक टू स्किन. सो आज मैंने कोई भी मेकअप यूज़ नहीं किया है. नो बीबी क्रीम, नो ब्लश ऑन, नथिंग. मैंने जस्ट एक लिपस्टिक लगाई है एंड मैंने सिर्फ अपने आईब्रोज बनाए हैं एंड काजल लगाया है बिकॉज मैंने अपना PRP का जो ट्रीटमेंट कराया था. आफ्टर दैट यू शुड नॉट पुट मेकअप बिकॉज आपकी स्किन जो है वो ब्रूज्ड है और वो हील हो रही है. और जब स्किन ब्रूज्ड होती है, जो मतलब अभी आई डोंट नो इफ यू कैन सी, यहाँ पे थोड़े ब्लैक ब्लैक निशान हो गए हैं, तो वो जब स्किन निकल जाएगी तो एकदम नई स्किन आएगी एंड देन माई स्किन विल बी ऑल ग्लोइंग. सो इसलिए मैंने मेकअप अवॉइड किया. एंड एनी वे, जस्ट बी योर सेल्फ, राइट. तो बस शुरू करते हैं एंड उससे पहले थोड़ी सी कॉफ़ी पी लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सुबह से नींद आ रही थी. अच्छा कि एकदम जहर ब्लैक कॉफ़ी बनाई है मेरे लिए आज, बट थैंक यू नींद उड़ाने के लिए. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो दिस इज मी, दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग. ये मैंने आउटफिट जो है H&M से लिया था. ऐसे अच्छा लग रहा है बट साइड वाइज देखोगे तो लुक्स प्रेगनेंट थोड़ा इसका वैसा है. इट्स लिटिल फनी. एनीवे गाइस, बैक टू स्किन केयर. सो मैंने अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स बहुत सारे निकाल दिए हैं क्योंकि आधे से ज़्यादा एक्सपायर हो गए थे, बहुत टाइम से पड़े थे, तो मैंने निकाल दिए, डीक्लटर कर दिए. डीक्लटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैंने डीक्लटर कर दिए हैं और ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे पास बाकी हैं अभी. सो खोलते हैं इसे. ये जो है आई गॉट इट फ्रॉम IKEA. एंड ये जो है सामान रखने के लिए, आई गॉट दिस फ्रॉम Amazon. तो बस मैं ऊपर ऊपर से अभी दिखा रही हूँ आपको. एंड यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स हैं. मेरे दो तीन जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स थे वो बाथरूम में पड़े थे और मैं बाथरूम से लाने गई एंड वन ऑफ देम जस्ट ब्रोक. कांच का था एंड वो नीचे गिर गया और टूट गया. वैसे कहते हैं कांच का टूटना अच्छा होता है, कुछ भी नेगेटिविटी होती है घर में तो वो अपने ऊपर मतलब ले लेती है, वो टूट जाती है चीज़. सो इट्स ओके, आई डोंट, आई शुड नॉट फील बैड. सो मैं सबसे पहले तुम लोगों को दिखाऊंगी द सनस्क्रीन्स विच आई यूज. सो दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सनस्क्रीन्स. दिस इज़ फ्रॉम कोडाली एंड दिस इज 50+ UVA. एंड ऑनेस्टली आई लव दिस सनस्क्रीन बिकॉज कुछ सनस्क्रीन्स जो होते हैं वो आपको लगा के थोड़ा चिपचिपा सा फील होता है, बट इसको लगा के ऐसा कुछ भी नहीं होता. इवन माई सिस्टर ट्राइड दिस सनस्क्रीन और उसे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया है. सो येस दिस वन. एंड दिस इज वाइटामिन सी SPF 30+. एंड ये बॉडी शॉप से है एंड चिकी जो है वो ये यूज़ करता है एंड हार्डली यूज़ किया है, एक साल हो गया है और अभी भी इतना बाकी है. सो ही हार्डली यूजेज इट. ही थिंक्स उसको स्किन केयर की ज़रूरत नहीं है, बट ही इज 30 नाउ. उसको थोड़ा और होने दो, 31, 32, 33 होने दो, देन ही विल अंडरस्टैंड दैट यू नीड स्किन केयर. सो दिस सनस्क्रीन इज सॉल्टन फ्रॉम बूट्स. अभी जो चिकी बेलफास्ट गया था लंदन, सो ही गॉट इट फ्रॉम देयर. ही सेड कि मैं वहाँ पे सनस्क्रीन लगाऊंगा, बट उसने सनस्क्रीन नहीं लगाया है. बट थैंक यू जेके फॉर दिस बिकॉज अब वो यूज़ तो करता नहीं है बट मैं यूज़ करती हूँ. सो दिस इज ब्राइटनिंग प्रोटेक्ट एंड मॉइस्चर फेशियल सन केयर एंड दिस इज 50+.
So yeah, this is also really really good. Actually Boots ke jo products hote na, Boots jo store hai, unke jo products hote na, they're like really really nice. So this one is Elta MD and this sunscreen is tinted. तो अगर आपको मेकअप नहीं करना है, अगर आपको बीबी क्रीम नहीं लगाना है, सो जस्ट यूज दिस सनस्क्रीन एंड दिस सनस्क्रीन इज रियली 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 गुड. मतलब मेरी फ्रेंड जो है वो यूएस में, उसने मुझे सजेस्ट किया था ये सनस्क्रीन एंड ट्रस्ट मी, मुझे ये इतना ज्यादा पसंद आया. बस ये खत्म होने वाला है. मैं एक्चुअली चेंज करती रहती हूँ अपने सनस्क्रीन, ये सारी यूज करती हूँ. सो जैसे ही ये खत्म होने वाला होगा मैं इसको दोबारा ऑर्डर करूंगी. यू गेट इट फ्रॉम Amazon एंड दिस इज SPF 46. सी अदर वन इज फ्रॉम ला रोशे पोशे एंड दिस इज ऑल्सो 50+ एंड दिस सनस्क्रीन इज रियली 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 नाइस. मैं आपको थोड़ा हल्का सा दिखा देती हूँ. बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है ये. इट्स लाइक दिस, जस्ट लाइक वॉटर, लाइक लिटरली लाइक वॉटर. चाहे आप बाहर जा रहे हो नहीं जा रहे हो, सनस्क्रीन तो हमेशा लगाना चाहिए. तो अपने हाथों पे लगा लेती हूँ. बाय द गाइस, मैंने अपने सिर्फ अभी जस्ट बाल धोए थे एंड यहाँ से देखो ऑयली हो गए. पता नहीं क्या हो गया यार. आई जस्ट वॉन्ट टू कट माई हेयर नाउ, नीड अ नाइस हेयर कट. सो नाउ आई एम गोना शो यू गाइस माई फेशियल मिस्ट. सो द फर्स्ट वन इज फ्रॉम पिक्सी. इट्स अ ग्लो मिस्ट विच हैज हिबिकस एंड आर्गन ऑयल एंड दिस मिस्ट इज लाइक रियली गुड. ये मेरा दूसरा बॉक्स है. एंड दी अदर वन इज माई फेवरेट 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 दीज डेज. दिस इज फ्रॉम मिनिमलिस्ट एंड दिस इज पॉली हाइड्रोक्सी एसिड फेस टोनर. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज टोनर ऑन योर फेस. द अदर वन इज शंकरा रोज फेशियल मिस्ट. दिस जो मैं आर्ट ऑफ लिविंग में गई थी बैंगलोर, उस टाइम पे वहां से लेके आई थी. सो इसको लगाने से बहुत ही, मतलब यू नो, यू फील सो गुड, यू फील हाइड्रेटेड एंड बहुत ही रोजी सी फ्रेग्रेंस है. सो आई रियली लाइक इट. सो मी एंड जैस्मिन वी बोथ बॉट दिस एंड दिस इज माय फेवरेट. बट ये इसका जो स्प्रे है वो खराब हो गया है. मैं कितने दिन से सोच रही हूँ कि मैं जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी, उनको मुंह पे मार के आऊंगी कि तुमने इतना अच्छा प्रोडक्ट मुझे दिया है, वो चल नहीं रहा स्प्रे. बट दिस इज माई फेवरेट. कोडाली का है ये. ग्रेप वॉटर. सो इट सूदेज योर स्किन, इट मॉइस्चराइज योर स्किन, एंटी ऑक्सीडेंट, सेंसिटिव स्किन, ये सब अवेलेबल. सो दिस इज रियली गुड. एंड एक जो है डियोर के जो है, ऑफकोर्स दैट इज रियली एक्सपेंसिव एंड डी यू इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव. क्रिस्टल टमेटो इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव. चिराग आ गया है. एंड सेरावी जो है दैट इज वेरी 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 चीप. एंड वन मोर क्रीम विच इज वेरी चीप एंड जो मेरा फेवरेट है इज दिस कैलाश जीवन. अगर आपको आपके फार्मेसी में नहीं मिलता है, केमिस्ट में नहीं मिलता है, तो ये आपको अमेजोन में मिल जाएगा. सो डू ट्राई दिस क्रीम. लाइक मेरी मॉम ने ये क्रीम लगाना शुरू किया है एंड ट्रस्ट मी उनकी स्किन इतनी बेटर हो गई है. लाइक यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट ये लगाओ. एंड आपको वो भी बता देती हूँ कि ये किस किस चीजों में यूज होता है. चैप्ड हैंड्स, पिंपल्स, स्किन रैशेस, बर्निंग सेंसेशन ऑफ आईज, पाम्स एंड सोल्स एंड यूरिन, प्रिकली हीट, अनसाउंड स्लीप. दिस इज गुड फॉर अनसाउंड स्लीप. वूम्स, इंसेक्ट बाइट, बॉइल्स, इच, ड्राई एक्जिमा, बर्न्स, कॉन्स्टिपेशन. ओके, द आई डोंट नो, द वियरेस्ट थिंग इज आप इसको खा भी सकते हो. Like if you are constipated, you can eat it. Like this product is really nice and this is only for 60 rupees. Why on kar rahe ho? You headless person. So this is what it is. ये पूरे घर में all the mirrors are placed according to Krishna's height. I know I'm not that tall also, but it feels good. I'll show you. So. This mirror, you see, it's in Krishna's height. But when I stand, I can see you. Okay, this is my eyes, no? But I can't see my face, no? Oh, yeah. Bathroom, again. My head is gone. He ate a fly, yaar. Makhi kha gaya. And I kiss him all the time. It's okay, it's protein. It's not protein. It is. सो नाउ आई एम गोना शो यू फ्यू प्रोडक्ट्स जो यहाँ पे इंडिया में नहीं मिलते हैं, जो मैं बैंकॉक गई थी वहां से लेके आई थी. सो आई गॉट दिस पीटर थॉमस रॉथ प्रो स्ट्रेंथ
लैक्टिक पोर ट्रीटमेंट, ये जो है पोर्स का जो है वो ट्रीटमेंट करता है, थोड़ा टाइम के लिए यूज करना है एंड देन यू जस्ट वॉश इट ऑफ. सो आई गॉट दिस फॉर माई पोर्स. मैं बताती हूँ कैसे करना है. फिंगर टिप्स पे लेना है 2-3 पंप्स इवनली ऑन क्लीन स्किन एट नाइट, ओनली एट नाइट. अवॉइड आईज. स्लाइट टिंगलिंग इज कॉमन. लीव ऑन 2-3 मिनट्स एंड देन रिंस थर्ली विद वॉटर. ठीक है, तो बस यही सब चीजें करनी है. अगर कोई इरिटेशन होती है तो कंसल्ट योर डॉक्टर. दिस ऑल्सो आई गॉट फ्रॉम बैंकॉक, डॉक्टर डेनिस ग्रॉस. सो ये जेल है एंड इसको जस्ट एक पी साइज लेना है एंड देन अपने सिर्फ एक्ने के ऊपर ही लगाना है. एंड दिस इज रियली गुड. मतलब मेरे एक्ने एक दिन या फिर 2 दिन में सूख गए, लाइक लिटरली सूख गए एंड देन ही डजंट लीव अ मार्क. This is from Murad. This is rapid collagen infusion, जो कि आपकी स्किन का जो कोलेजन है वो बढ़ाता है. एंड कोलेजन होता है तो आपके जो रिंकल्स नहीं होते हैं. सो दिस प्रोडक्ट इज फ्रॉम कोडाली एंड दिस इज ग्लाइकोलिक पील मास्क. एंड इफ यू हैव अनइवन स्किन, अगर आपकी अनइवन स्किन है, सो दिस पील इज रियली गुड एंड दिस इज फॉर ब्राइटनिंग ऑल्सो. दिस इज हाइड्रेटिंग नाइट सीरम with vitamin C, kakadu, plum and shea butter and it is from Cocoon and ये मेरे डॉक्टर ने मुझे दिया था and this is really good. The thing is I don't use vitamin C. मुझे ऐसा लगता था कि vitamin C use करके मुझे acne हो जाते हैं, but अभी recently मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला है कि vitamin C लगाना है. So I don't have vitamin C, but मैं vitamin C का वो लेके आऊंगी serum. So this moisturizer is really good. But damn expensive. ये छोटी सी जो बॉटल है, this is for 14,000. ये 14,000 की छोटी सी डिब्बी है. But the thing is, I'll show you. जो मैंने आपको ये दिखाया था, क्रिस्टल टमेटो, this is also for I think 12,000 or maybe 13,000. These products are like really, really, really expensive. अच्छा है, but 13,000 में like it's 13-14,000 में it's like too much. So now I'm gonna show you guys my serums which I have. I have this one from Ordinary, the caffeine solution. This helps in like if you have puffiness on your skin or आपको कहीं जाना है, makeup करना है, तो use this and आपकी puffiness यूं गायब कर देगी. After that I have Hyaluronic PGA 2% face serum and this is also really, really good. It hydrates your skin. And the other one is multi-peptide serum for hair density. This is again from Ordinary and मेरे यहाँ पे जो है बाल बहुत ज्यादा कम हो गए थे, अभी फिर भी थोड़े आ गए हैं. स्ट्रेस गाइस, स्ट्रेस यू नो बहुत कुछ कर देता है. आफ्टर दैट आई हैव दिस फ्रॉम Ordinary, niacinamide, and I have this AHA 30% BHA 2% peeling solution from Ordinary. After that I have this retinoin, my best friend, जो कि आपको हर alternate days पे लगाना चाहिए. This is to reduce fine lines and wrinkles. After 30s I am 33. So you should start using all these things. So next is this. This is from Joseon. And this is a Korean brand. Korean products are so, so, so freaking good. So this is calming serum, green tea and panthenol. And this is made in Korea. Too good, too good. Okay, so next is niacinamide again from Minimalist. This is for all skin types. This is again hyaluronic acid, which is 2% from Ordinary. All these products are really, really, really nice. This is salicylic acid from Ordinary. Like if you have blemishes or acne prone skin, agar aapko acne bahut zyada hote hain, salicylic acid, everybody knows ki salicylic acid bahut hi zyada acha hota hai. If you have acne prone skin, use salicylic face wash, use this, but after this प्लीज़ यूज़ मॉइस्चराइजर, बिकॉज मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके फेस पे. उसके बाद ये है मल्टीपेप्टाइड्स फ्रॉम मिनिमलिस्ट. ये जो प्रोडक्ट है ये हमेशा मैं अपने पास रखती हूँ, लैक्टोकैलामाइन. आपको
किसी भी तरह की कोई भी एलर्जी हुई है, अगर आपके फेस पे इचिंग हो रही है, बैक पे इचिंग हो रही है, कुछ भी है, दिस इज द सेफेस्ट प्रोडक्ट टू यूज. ये मैं बचपन से यूज करती हूँ, तो मैंने एक छोटी सी बॉक्स, छोटी सी डिब्बी ले रखी है. सो फॉर अंडर आईज आई हैव दिस गोल्ड ब्लैक पर्ल आई मास्क. दिस इज फ्रॉम शांगपुरी एंड दिस वॉज लिटिल एक्सपेंसिव, जो मेरी डॉक्टर ने मुझे दिया था, मुझे पता नहीं कितने का है ये. But again, this is a Korean product. And the other one is this from Dior. ये मेरा all time favorite है. I've heard Estee Lauder के जो under eye creams हैं, they are also very nice. So this is from Pixi Glow Tonic to Go. And these are like toners. This have 5% glycolic acid and aloe vera. And this is a kind of टोनर ओनली. दिस इज अ टोनर, लाइक यू नो, फेस वॉश करके सबसे पहले आप अपने फेस पे टोनर यूज करते हो, फिर आपको कुछ भी आगे यूज करना तो आप यूज करते हो. सो ये है. एंड विद दिस यू कैन बाय दीज अलग से, अगर ये थोड़े ड्राई हो जाए, यू कैन जस्ट मिक्स दिस इन टू इट एंड यू कैन जस्ट यूज इट. सो दिस इज अगेन फ्रॉम पिक्सी. दिस इज ग्लो मड मास्क. दिस इज फॉर योर ग्लो मास्क है ये, ग्लैम ग्लो का. ये इंस्टा मड है, अगेन मड. दिस इज 60-second पोर रिफाइनिंग ट्रीटमेंट. दिस इज अगेन फॉर माई पोर्स. आई डोंट नो अगर आपने मेरा इससे पहले एक ब्लॉग देखा था कि नहीं, जिसमें मैंने ये यूज करके दिखाया था. सो बेसिकली आप एक लेयर लगाते हो एंड देन आफ्टर लाइक विद इन 60-second वो एक बबल्स की तरफ बन जाता है. And it looks little weird, but बहुत मज़ा आता है. Like you can literally, you know, feel कि वो bubbles बन रहे हैं धीरे धीरे धीरे, बहुत थोड़ी tingling सी feeling होती है. But this is like a really good product. For lips, lip scrub from MAC. If you don't want to buy these scrubs and all, so आप घर पर भी sugar के साथ scrub बना सकते हैं and you can use that also, which is like really good. So this one is from Body Shop, British Rose. Fresh Plumping Skin Mask. इसको लगाने से आपका फेस जो है एकदम फ्रेश लगता है, प्लम्प लगता है, यू नो दैट ग्लो. सो ये जो है आपकी बॉडी के लिए है. सो बॉडी लोशंस में आपको सारे नहीं दिखाने वाली, बट जो मेरी फेवरेट्स हैं मैं आपको वो दिखाने वाली हूँ. सो दिस इज फ्रॉम बॉडी शॉप. सो दिस इज लाइक जस्ट शेक इट एंड स्प्रे इट एंड जस्ट यूज इट लाइक दिस. This is a magic serum from Charlotte. ये मेरे पास इतनी बड़ी बॉटल है और मेरे पास छोटी वाली बॉटल भी है, तो मुझे कभी भी ट्रैवल करना होता है तो मैं इसके अंदर उड़ा अभी गिरता गाइस, बच गया. एंड दिस इज अनदर मास्क फ्रॉम बॉडी शॉप. दिस इज हिमालयन चारकोल प्योरीफाइंग ग्लो मास्क. तो अगर आपको ग्लो चाहिए है, इफ यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, इफ यू गोइंग समवेयर, अगर आपको वैसे ग्लो चाहिए है, so just use this body contouring cream from Claire and this is like really 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 nice. okay, so मुझे honestly पहले लगा था कि ये लगा के मेरी body जो है tone हो जाएगी, but ऐसा कुछ भी नहीं है. but if you're gymming एंड जिमिंग के साथ साथ अगर आप ये यूज कर रहे हो, तो आपकी जो मतलब स्किन जो एकदम लूज हो रखी है ना, वो लिटरली टोन्ड हो जाती है. दिस प्रोडक्ट इज रियली 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 नाइस. तो दिस वन इज फ्रॉम बॉडी शॉप अगेन. दिस इज हनी ब्रॉन्ज. इट्स अ शिमरिंग ड्राई ऑयल. अगर आपको मतलब किसी पार्टी वगैरह में जाना है, कहीं जाना है, जस्ट इसको आई विल शो यू एक्चुअली दिस. After this, I'm going to show you something really, really, really nice. So, it's like this. You get that glow. थोड़ा वो shimmer सा आता है and बहुत glowy लगता है. अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा है इतना, but of course दिख रहा है. Look at the difference. This is again from Boots. जो इसका मेरे पास छोटा वाला face के लिए था sunscreen. This is for body and it's a spray body sunscreen. Apply it like this and this smells also good. Oh nice, wow. So last but not the least, I'm going to show you something really really cool. मैंने actually YouTube पे कुछ videos देखी थी, you know, there were some girls who were using this product, this thing, and I also got them. मुझे
मैंने इसको थोड़ा ढूंढा, सर्च किया तो मुझे अमेजोन से मिल गया. सो दिस इज So this is Dart It Hydrocolloid Acne Patches Tea Tree Oil and Calendula. I don't know अगर मैंने सही बोला है कि नहीं. और इसमें 24 patches होते हैं. Whenever we get acne, हम लोग mostly क्या करते हैं, हम जो उसको squeeze कर देते हैं, फोड़ देते हैं, और उसके बाद जो वो उसके अंदर से जो निकलता है, dirt निकलता है, वो आपकी पूरी skin में फैलता है, and then you get more acne. Never do that, please. Never, never, never do that. कभी भी pimples को forcefully मत फोड़ना. It is bad. It is very bad. These are so cute. Look at this pimple patches. They are so cute. Like even if you're going out, आप ऐसे लगा लो. Okay, मैं एक लगा के दिखाती हूँ आपको. वैसे pimple नहीं है मेरे अभी. You can just apply it like this. So I got this color. They have other colors also, and they have other designs also. Like you know, like it's so nice. अगर आपको acne हो रहा है और आपको बाहर जाना है, just put these patches. They look so stylish, they look so cool. और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मतलब ये आपने pimple को छुपाने के लिए लगाया है. They'll be thinking, oh, कुछ नया trend है, कुछ नया style है. So these patches are like my favorites. And actually ये मैंने दो बार लगाया था. मेरे जो pimples थे वो next day ही मतलब सारे सूख गए थे. So these pimple patches are like really good and they are beautiful too. So that's it guys, ये थे मेरे स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो मेरे पास हैं. ऑनेस्टली मेरी लिस्ट में कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं जो अभी मुझे लेने हैं. आई डोंट नो इफ यू गाइज हैव हर्ड अबाउट दिस ब्रांड टाचा. आई मीन उनके प्रोडक्ट्स जो हैं दे लाइक रियली एक्सपेंसिव. उनकी एक क्रीम जो है वो फेस वॉश जो है वो 10,000 का है. But I am so confused that should I buy that or should I not? तो आप मुझे comments में जरूर बताइए. Like what do you think? Should I just try it or I should avoid buying such expensive products? But मेरा बहुत मन है लेने का. The product name is Tatcha. Do you know see their products? I have heard, मैंने इतने अच्छे reviews सुने हैं उनके बारे में. So let's see, you guys tell me what should I do. But ये थे मेरे स्किन केयर प्रोडक्ट्स. मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो थे मैंने निकाल के फेंक दिए जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ. सो वेन एवर यू गेट एनी चांस टू डी क्लटर योर थिंग्स, प्लीज डू इट. जब आप डी क्लटर करते हो तभी नई चीज़ों की जगह बनती है और नई चीज़ें आपकी लाइफ में आते हैं. सो बीट एनी थिंग, योर क्लोथ्स, एनी थिंग, एंड डी क्लटर पीपल ऑल्सो फ्रॉम योर लाइफ. वेन यू डी क्लटर पीपल फ्रॉम योर लाइफ, अनवॉन्टेड पीपल जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, उनको भी अपनी लाइफ से अगर निकाल दोगे तभी आपके लाइफ में अच्छे लोग आएंगे. राइट? सो क्या बातें करती हूँ मैं. सो यस गाइज, प्लीज डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा. कुछ भी प्रोडक्ट के बारे में पूछना हो सो प्लीज मुझे कॉमेंट में बताना. आई विल टेल यू अबाउट दैट प्रोडक्ट. एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड इतना सारा प्यार देती हो और प्यार देते रहो. Thank you so much. Shukrana, shukrana, shukrana. I'm really grateful for everything. Love you all. Bye.